भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न करने के आरोपों को लेकर कोर्ट में एप्लीकेशन दायर की है। सिंह ने दिल्ली के राव एवेन्यू कोर्ट में दायर की गई अर्जी में कहा कि एक शिकायतकर्ता के बयान में विरोधाभास है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि शिकायतकर्ता के मुताबिक वो जब WFI के दफ्तर गई थी तो उनके साथ छेड़छाड़ हुई, लेकिन इस दौरान मैं देश में था ही नहीं। याचिका में ब्रजभूषण सिंह ने पासपोर्ट की कॉपी लगाई है, इसमें कहा है कि ऐसे में इस मामले की एक बार फिर से जांच हो। वहीं दिल्ली पुलिस ने इसका विरोध किया है। दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण सिंह को अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक आरोप पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन दूसरे आरोप पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। वहीं महिला पहलवानों के वकील ने कहा कि यह याचिका मामले में देरी के लिए दाखिल की गई है, कोर्ट ने इस पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए। ब्रजभूषण सिंह के वकील ने कहा कि मामले में बहुत ज्यादा दस्तावेज थे, हमने CDR को खोजने की कोशिश की थी लेकिन हमको नहीं मिला, इसलिए हम चार्ज फ्रेम होने के समय इस मुद्दे को उठा रहे हैं। कोर्ट ने सवाल किया कि यह मुद्दा पहले क्यों नहीं उठाया गया।